जब आप सिलवार में या लहंगा में प्लेट्स बनाते हैं और प्लेटें एक बराबर से नहीं बनती हैं तो आप कई बार सिलाई को तोड़ते हैं, इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आज मैं आपको ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ जिससे आपकी प्लेटें एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बराबर से ही आएंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आपको लेना है कांटे वाली चम्मच और ज़्यादातर ये सभी के घरों में होती है, इससे प्लेटें बिल्कुल एक बराबर से बन जाती हैं। तो मैं आपको इससे बनाकर दिखाती हूँ। पहले कपड़े को आप मशीन से फंसा लीजिए इस तरह, और फिर आपको इस तरह रखना है इसको। तीन कांटे ऊपर की साइड रहेंगे और एक कांटा नीचे की साइड रहेगा, बस इसको इस तरह आपको घुमाते जाना है। जब आपकी एक प्लेट बन जाएगी तो इस सुई को आपको नीचे की साइड कपड़े में फंसा देना है, फंसा कर छोड़ दीजिए और फिर कांटे को उठाइए। तीन रहेंगे कांटे इसके ऊपर की साइड और एक रहेगा नीचे की साइड, और बस घुमाते हुए आपको इस तरह ले जाना है और यहाँ पर हाथ रख लीजिए। आपको मशीन चलाते जाना है और यहाँ पर हाथ रखते जाना है इस तरह, और जब आप यहाँ पर पास में आ जाएंगे तो आपको मशीन की सुई को नीचे की साइड फंसा कर छोड़ देना है। उसके बाद फिर कांटे को उठाइए और तीन कांटे ऊपर की साइड रखिए और एक कांटा नीचे की साइड रहेगा, और इस तरह घुमाते हुए बस इस तरह आपको पलटते जाना है। तो बस इसी तरह आपको सेम आइडिया से पूरी प्लेटों को बनाते जाना है इस तरह। तो इस तरह आप सिलवार और लहंगा के लिए बड़ी आसानी से प्लेटों को बना सकते हैं। अब मैं आपको बॉक्स प्लेटें बनाना बता देती हूँ, जिससे अगर किसी ड्रेस में आपको बॉक्स प्लेट बनाना है तो इसी कांटे से आप बॉक्स प्लेट भी बना सकते हैं। तो बॉक्स प्लेट बनाने के लिए आपको पहली प्लेट तो सेम आइडिया से बनाना है, इस तरह लीजिए और इसको पलटना है और मशीन की सुई को नीचे की साइड फंसा कर छोड़ देना है। उसके बाद अब आपको थोड़ी दूरी से लेना है इसको, इस तरह लेना है और इसके पास पलटना है इस तरह, और फिर आपको इधर से लेना है और इस तरह पलटते जाना है, फिर थोड़ी सी दूरी से लेते हुए इस तरफ पलट देंगे इसको। तो जब आप प्लेट बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सुई आपकी नीचे की साइड फंसी होना चाहिए, जिससे प्लेट आपकी अच्छे से बन जाएगी। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जब आप इस तरफ कपड़े को पलटते हैं, मशीन की साइड पलटते हैं बॉक्स प्लेट के लिए, तो आपको इस कांटे के पास थोड़ी सी जगह बनाकर रखना है और इसको पलटना है इस तरह। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से एक चम्मच की मदद से प्लेटों को बना सकते हैं और आपकी प्लेटें एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। तो इस तरह जब आप प्लेटें बनाएंगे तो आपको मिस्टेक का बिल्कुल डर नहीं रहेगा, और आप सेम आइडिया से लहंगा में बना सकते हैं, किसी भी डिजाइन में यूज कर सकते हैं और गाउन फ्रॉक में भी यूज कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।